हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज एक बार फिर से हमारे चैनल पर सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं और ये जानकारी कुछ अलग तरीके का है। जैसे कि हमने एलईडी बल्ब से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं अपने चैनल पे, तो आज कुछ अलग तरीके का वीडियो होगा। क्योंकि देखिए, हम जो कोरियर से जो हमारा सामान आता है वो कितना सेफ्टी से आता है, और कोरियर से सामान मंगाना उचित है या नहीं, और कितना सुरक्षित होता है, वो हम आज आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरा एक छोटा सा कोरियर आया है और इसकी पैकिंग वाला टेप वो लगा के बढ़िया से आया हुआ है। ये हम अभी तुरंत इसको थोड़ा सा इसको कटिंग किए थे खोलने के लिए, अभी आधा इसको ओपन किए थे, तब तक मुझे याद आया कि नहीं, मुझे एक वीडियो इस पर भी बनाना चाहिए ताकि आप लोगों को भी जानकारी मिल जाए। तो फिर से हम इसको अब वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं, इसको हम अनपैक करेंगे। देखिए कोरियर, ये हमारा जो ये कोरियर नंबर लिखा हुआ है, जो बिल्टी नंबर होता है, इधर बिल्टी नंबर लिखा हुआ है और इधर आप देख सकते हैं ये स्काई किंग से आया है। ये स्काई किंग कोरियर होता है, जैसे DTDC हो गया, मधुर कोरियर हो गया, वैसे ये स्काई किंग होता है और उससे हमारा कोरियर आया है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं हमारा नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह सब लिखा है, मोबाइल नंबर, और ये फ्रॉम जहाँ से आया है, लाइट हाउस दिल्ली से आया हुआ है, और पूरा डिटेल मोबाइल नंबर वगैरह पूरा लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है प्लीज़ कॉल पार्टी, यानी कि जब मटेरियल अगर कोरियर सेंटर पे पहुंच जाए तो कृपया फ़ोन कर देंगे, मतलब पार्टी को फ़ोन कर दिया जाएगा ताकि हम वहां से जाकर अपना सामान आसानी से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो पे, हम आपको ये जो कोरियर जो है इसको अनपैक करके दिखाते हैं और देखते हैं कि सामान कितना सुरक्षित है और क्या कोरियर से सामान हमेशा मंगाना चाहिए या नहीं मंगाना चाहिए। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो पे। नीचे बॉक्स बनाया गया है, ऊपर से प्लास्टिक का जो कट्टा डाल के टेप लगाया गया है ताकि इसकी पैकिंग ज़बरदस्त हो। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये जो कोरियर होता है, इन जो बॉक्स बनता है, ये जब दूर से आता है तो जब ये लोग गाड़ी से उतारते हैं तो इधर से उधर फेंकते हैं रहते हैं, तो ताकि सेफ्टी रहे इसलिए इसकी पैकिंग अच्छी तरीके से किया जाए। ऊपर से पूरा टेप लगा दिया गया है इसलिए हमको ऐसे काटना पड़ रहा है। कट्टे का जो ऊपर से बैंडेज था उसको हम हटा दिए हैं। अब ये बॉक्स हमारा दिखाई दे रहा है, इस पर भी टेप लगाया गया है इसको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम एलईडी बल्ब से संबंधित अपना काम करते हैं, तो एलईडी बल्ब के कुछ सैंपल मंगाए हैं। ये इसकी पैकिंग कवर है और ये हमारे एलईडी बल्ब हैं, ये चार्जिंग वाले एलईडी बल्ब हैं, रिचार्जेबल एलईडी बल्ब हैं। हमने इतने पीस सैंपल के तौर पे मंगाया है चेक करने के लिए ताकि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो अभी आपके सामने हमारे जो एलईडी बल्ब है बिल्कुल सेफ हैं, कहीं इसमें क्रेक वगैरह नहीं हुआ है या कोई दिक्कत नहीं है। पैकिंग जैसे वो लोग पन्नी में डाल के भेजे हैं, इसमें रख के ऊपर से ऐसे पैकिंग रख दिया गया था, और जितना हम मंगवाए हैं अगर उससे कम होगा तो फिर हमें जहाँ से ये मटेरियल मंगवाया गया है वहाँ फ़ोन करके बोलना पड़ेगा। और चूंकि ये वीडियो भी बना रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड भी रहेगा कि हाँ मटेरियल कम है या मटेरियल ज़्यादा आ गया है। अगर कम होगा तो वो मटेरियल दोबारा हमें सेंड करेंगे, ज़्यादा होगा तो उसके पैसे हम उनको दोबारा अलग से ट्रांसफ़र करेंगे, तो इस चीज़ से भी सुविधा मिलती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो का मेन मकसद यही था कि आपको बताना था कोरियर कितना सुरक्षित होता है, काफ़ी अच्छा होता है, आप भी कोरियर से सामान मंगवा सकते हैं और इसमें काफ़ी सुरक्षा होती है। आपके जो एरिया के जो पिन कोड है उसके हिसाब से कोरियर आता है, और कोरियर वाले क्या करते हैं, जब कोरियर आपके सेंटर पे आ जाएगा तो आपको फ़ोन करेंगे, आप जाकर अपना आराम से कोरियर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।